मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित होने वाले सभी किसानों का डाटा 10 जुलाई तक फीड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि कुछ जनपदों में निचले स्तर पर किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें आई हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक भवन में केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल, प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे और प्रमुख सचिव कृषि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित मंडलायुक्त जयंत नारिकल, डीएमके विजेंद्र पांडियन, सीडीओ अनूप सिंह सहित संबंधित अधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि बैंकर्स, किसान संगठन और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, हर गांव में कैंप लगाकर किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई मामलों में बैंक अकाउंट के वाईसी आधार कार्ड नंबर गलत दर्ज होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। इसे 10 जुलाई तक दुरुस्त किया जाए और नए किसानों का डाटा फीड किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र किसान किसी भी दशा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी बड़ी संख्या में किसानों को लाभान्वित किया जाना है, इसलिए जिलाधिकारी इसमें रुचि दिखाएं और समयबद्ध तरीके से किसानों को लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहारनपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, आगरा और इटावा के जिला अधिकारियों ने अतिरिक्त किसानों का डाटा तैयार किया है। इसी तरह अन्य जिलों के जिला अधिकारियों को किसानों का डाटा तैयार करना चाहिए, जिससे कोई भी किसान इस योजना से वंचित ना रह जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2,33,00,000 किसान है। प्रथम चरण में करीब 1,10,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। अभी भी 1,00,00,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना है। प्रदेश में 2,33,00,000 किसानों में से 1,45,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा चुका है। उन्होंने शेष 90,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट जारी करने के निर्देश दिए हैं।